सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि इसके बाद हम अपना जो सेशन है उसको शुरू कर सकें। और साथ ही साथ हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी तो इस क्लास को हम संडे को कवर कर लेंगे। और आज हमें अपना टॉपिक 2 जियोमॉर्फोलॉजी का रिलीफ फीचर ऑफ आवर अर्थ पढ़ना है। तब तक अगर किसी को प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी क्वेरी शेयर कर सकता है। साथ ही साथ और कोई क्वेरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। गुड इवनिंग नीतीश। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। और रही बात सिलेबस की, तो नेक्स्ट मंथ से आपकी 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो अक्टूबर तक हमें सिलेबस कवर कर लेना है। हाँ बेटा, टॉपिक 2 वही है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी। ये जो टाइटल है ये मैं चेंज कर दूंगी, और अगर चेंज नहीं भी करूं तो जो हेडिंग है वो आप अंदर देख लेना, ठीक है? तो मेन जो हेडिंग है वो, क्योंकि रिलीफ फीचर से शुरू है ना ये फंडामेंटल कंसेप्ट, से पहले आप रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ोगे कि अर्थ को 3 रिलीफ फीचर में डिवाइड कर रखा है। तो ये टॉपिक 2 ही, बट पहले हम थोड़ा सा जो रिलीफ फीचर है ना अर्थ के, जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो पूछा जाता है। तो अब क्लास शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये हमारा जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। और जिसने भी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसका जो लिंक है वो आपकी यूट्यूब की जो वीडियोस है उसकी बायो में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और ये फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम चैनल है। तो जो भी बच्चा इन चैनल से नहीं जुड़ा है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इन ग्रुप्स में रेगुलर अपडेट दी जाती है हर एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे वो सीएसआईआर एग्जाम हो, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, हर न्यूज आपको दी जाती है। उसके बाद ये देखो, ये आपके बैचेस चल रहे हैं, आपके यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है। और जो यूट्यूब पर ज्योग्राफी की क्लासेस है प्री क्लास, वो है आपके सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को होती है 6 PM पे। और ये क्या है, ये आपकी फिलर फॉर्म ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और आज आप अपने, अगर कोई बैच पे आज कोई कूपन कोड यूज करता है और साथ ही साथ आज कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसके 300 रुपीज सेव होंगे। और साथ ही साथ आप मेरा जो कूपन कोड है किरण10, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है, इस पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है। आपको नोट्स PDF दिया जाता है, आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, आपको मॉक टेस्ट सोल्व करवाए जाते हैं, आपको सारे नोट्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको पेपर 1 की जो फीस आपके लिए दिसंबर बैच के लिए वो है 1999 रुपये, पेपर 2 के लिए भी आपकी 1999 रुपये। और अगर आप को दोनों पेपर लेने तो उसके लिए आपकी फीस रहेगी 2999 रुपये। और इस पर भी अगर आप मेरा जो कूपन कोड है किरण10 वो यूज करोगे तो उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्रीवियस क्लास में हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो कंप्लीट कर लिया था, वो हमारा 3 क्लासेस में कवर हो गया था। और आज हमें पढ़ना है रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के धरातल की, पृथ्वी के सतह की कुछ विशेषताएं, कुछ जो विशेषताएं हैं उनको ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन से रिलीफ फीचर आते हैं, सेकंड ऑर्डर में कौन से रिलीफ फीचर आते हैं और थर्ड ऑर्डर में कौन से रिलीफ फीचर आते हैं। तो एक स्केल के बेस पे हमारी पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ को स्केल के बेस पे सबसे पहले सबसे बड़े स्केल पे डिवाइड कर रखा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में आपका कौन सा आता है, फर्स्ट ऑर्डर में सबसे बड़ा एरिया आता है, यानी कि एक है आपका कॉन्टिनेंट पूरे अर्थ पे और एक है आपका, एक दूसरा पार्ट है आपका वाटर पार्ट, यानी कि
अगर लार्ज स्केल पे देखें तो सिर्फ दो ही पार्ट हैं आपके, एक कॉन्टिनेंट यानी कि एक स्थल भाग है, एक जल भाग है। तो ये कौन से पार्ट में आते हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर में। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में, इन जो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर को भी डिवाइड कर रखा है, यानी कि इस फर्स्ट ऑर्डर पे हैं आपके माउंटेन, कहीं पे माउंटेन है, हिल्स हैं, आपकी प्लेन है और आपकी डीप है यानी कि खाई है। ये चार आती है आपके सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर पे। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में वे सारे रिलीफ फीचर आते हैं जो हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि जो हमारा बाह्य फोर्स होते हैं, यानी कि आपका रिवर वाटर, या फिर आपका एयर विंड, या फिर आपका अंडरग्राउंड वाटर और आपका सी करंट्स, इन सब की वजह से जो भी हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनते हैं वो आते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड स्केल, स्केल के बेस पे जो रिलीफ फीचर है अर्थ के, जो रिलीफ फीचर है अर्थ सरफेस को, उसको किसने स्टडी किया है? आर डी सेलिसबरी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ को तीन ऑर्डर में किसने डिवाइड किया, अर्थ को रिलीफ फीचर के बेस पे तीन ऑर्डर में किसने डिवाइड किया, तो वो है आपके आर डी सेलिसबरी। 1919 में आर डी सेलिसबरी ने डिवाइड किया। उसके बाद है आपके रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो ये रिलीफ फीचर है ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल, एक बात याद रखना, अगर स्केल पे आपके दो स्केल होते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल जो होता है ना वो क्या करता है, वो आपका आपका जो एरिया है वो कम शो करेगा, लेकिन आपका जो उस एरिया की डिटेल्स है वो ज्यादा शो करेगा। मान लो अगर हमें पूरा वर्ल्ड का मैप शो करना तो वो हम करेंगे स्मॉल स्केल पे, क्योंकि स्मॉल स्केल एरिया ज्यादा शो करता है लेकिन आपकी डिटेल्स कम शो करता है। लेकिन अगर मेरे को उस वर्ल्ड में भी, आपके इंडिया में भी सोनीपत को देखना है, तो मैं उसको बनाऊंगी लार्जेस्ट स्केल पे, क्योंकि लार्जेस्ट स्केल पे हमें डिटेल ज्यादा दिखती हैं और एरिया छोटा होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट होता है ज्योग्राफी में, स्मॉलेस्ट स्केल और लार्जेस्ट स्केल। और ये देखो, ये जो आपका वर्ल्ड जियोमोर्फोलॉजी बुक है वो किसने दी? आपके सी ए एम किंग ने 1966 में दी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या इंक्लूड किया है? कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन को इंक्लूड किया है, यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में आते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। हिंदी में देख लेते हैं कि आयाम और पैमाने के आधार पर, यानी कि स्केल और डायमेंशन के बेस पे अर्थ को ऑर्डर ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और इन ऑर्डर में किसने डिवाइड किया अर्थ को? आर डी सेलिसबरी ने 1919 में। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के जो रिलीफ फीचर हैं वो क्या है? सबसे छोटे पैमाने पर यानी कि स्मॉल स्केल के बेस पर, और सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करने वाली। ये बुक किसकी है? विश्व भूआकृति विज्ञान, याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है। सी ए एम किंग यानी कि आपकी वर्ल्ड जियोमोर्फोलॉजी जो बुक है वो आपकी दी है सी ए एम किंग ने 1966 में। और इसमें सी ए एम किंग ने महाद्वीप और महासागरीय घाटियों पर जो है विचार शामिल किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर कौन से हैं? तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में कौन से आते हैं। उसके बाद है आपका रिलीफ फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये जो रिलीफ फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ये किस पर डेवलप होते हैं? हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर होते हैं यानी कि कॉन्टिनेंट और आपके ओशन, यानी कि महाद्वीप महासागर के ऊपर बनने वाले रिलीफ फीचर को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, और इनको कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें आपके कौन कौन से, ये देखो, इसमें आपके पर्वत, पठार, लेक, फोल्ट, रिफ्ट वैली, ये किस में आते हैं? आपके सेकेंड रिलीफ फीचर में। ये मेनली, ये जो आपके सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है ये कैसे बनते हैं? ये हमारे जो इंडोजेनेटिक फोर्स है ना उसकी वजह से बनते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स कौन से होते हैं? इंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब है जो फोर्स अर्थ के अंदर से लगा है उसको बोला जाता है इंडोजेनेटिक फोर्स। और इंडोजेनेटिक फोर्स को हम कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्स अर्थ पर बनाने का काम करते हैं, जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्स अर्थ पर जो हमारे लैंडफॉर्म है उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। जो एक्सोजेनेटिक यानी कि जो आपके बाह्य बहिर्जात बल होते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो सरफेस और सरफेस को काटते रहते हैं, काटते रहते हैं।
जबकि आपके जो अंतर्जात बल हैं, इंटोजेनेटिक फोर्स हैं, वे क्या करते हैं, वे अपनी पृथ्वी पृथ्वी के सरफेस पर आपका कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनाते रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म। और ये आपसे वन वर्ड, ये आपसे जो है वन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, या रीजन अजर्शन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपकी दूसरे क्रम की राहत सुविधा है। इसमें क्या है कि किसी महाद्वीप या उसके भाग पर पर्वत, पठार, झीले, भ्रंश, दरार के रूप में संरचनात्मक रूप विकसित हुई घाटियां, इन रूपों की उत्पत्ति मुख्यतः किसकी वजह से होती है, जो अंतर्जात शक्तियां है उनकी वजह से, या फिर डिस्ट्रॉफिक शक्तियों के कारण आपके जो दूसरे क्रम की यानी कि सेकंड ऑर्डर जो रिलीफ फीचर है उनका ओरिजिन होता है। सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में याद रखना, आपके महाद्वीप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, झीले हैं, भ्रंश हैं और आपकी दरार घाटी हैं, और इन्हें निर्माण आत्मक भू आकृतियां भी कहा जाता है। अब इनको निर्माण आत्मक भू आकृति क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो दूसरे क्रम के यानी कि जो सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है, ये बनते हैं आपके अंतर्जात बल के द्वारा। अंतर्जात बल क्या करते हैं, धरती पर कुछ ना कुछ निर्माण करने का काम करते हैं, जबकि बहिर्जात बल धरती को बिगाड़, धरती पर जो लैंडफॉर्म है उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसको बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव फोर्स, जबकि आपका जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इंडोजेनेटिक को कंस्ट्रक्टिव, एक्सोजेनेटिक को डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्यों, यानी कि विनाशकारी, वो जो भी इंडोजेनेटिक, ये जो नीचे से लावा है, क्या ये आपका अर्थ है, अर्थ पर ये मैग्मा जो आपका ज्वालामुखी है वो फटा, और मैं जो लावा है, लावा ऊपर धरातल पर आकर जम गया, और जम गया तो क्या हुआ, ये इससे एक पहाड़ बन गया। लेकिन जो बाहर के फैक्टर से आपका पानी है, एयर है, वो क्या करती है, इस पहाड़ को काटती है, काटती है, काटती है और इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए आपके डिस्ट्रक्टिव फोर्स को यानी कि आपके बहिर्जात बल यानी कि आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स को डिस्ट्रॉफिक फोर्स भी बोला जाता है। अब आपका है रिलीफ फीचर ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये रिलीफ फीचर सबसे, जो थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर है, ये सबसे जो लास्ट लेवल के रिलीफ ऑर्डर है वो है, और इनमें वो लैंडफॉर्म है जो आपके सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर पर बनते हैं, किसके द्वारा, एक्सोजेनेटिक डेंड्यूनेशनल प्रोसेस, यानी कि जो आपके बनते हैं इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा। अब इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन सा बनाता है, आपका एजेंट, आपका वॉटर यानी कि आपकी रिवर, आपका ग्लेशियर, आपका अंडरग्राउंड वॉटर और साथ ही साथ आपका विंड। ठीक है, तो ये सब क्या बनाते हैं, आपके थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, क्योंकि ये इरोजन और डिपोजिशन दोनों करते हैं। इसमें ये देखो, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये आपके जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है आपके, चाहे वो आपका सी कोस्ट हो, या आपके सी वेव्स हो, आपकी ग्लेशियर्स हो, आपके वॉटर हो, आपका अंडरग्राउंड वॉटर हो, या विंडो, पांचों मिलके क्या करते हैं, आपके थर्ड रिलीफ फीचर को, थर्ड रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ उसको बनाती है। सबसे पहले रिलीफ फीचर है आपका कॉन्टिनेंट ओशन। कॉन्टिनेंट ओशन पर बनते हैं आपके आपके सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, यानी कि माउंटेन, ड्रिफ्ट वैली, लेक, ये सब बनते हैं, और उनके भी ऊपर कौन बनता है, आपके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, ये हिंदी में कि जो बहिर्छाद अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा दूसरे क्रम की राहत विशेषताओं पर सूक्ष्म स्तरीय भू आकृतियां विकसित गई हैं, और वायुमंडल से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं इसी श्रेणी में आती हैं। जैसे आपको जो भी इरोजनल और डिपोजिशन से जो भी आपकी चीजें, जो भी आपका लैंडफॉर्म बनता है उसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। ये थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर के नाम लिख रखे हैं, हिमनद घाटी, नदी घाटी, कास्ट घाटी, सर्स घाटी, घाटियां, छते, यारडांग, और निक्षेपण से यानी कि डिपोजिशन से आपके ड्रमलीन, एस्कर, आपके नेचुरल तटबंध यानी कि प्राकृतिक तट, आपका डेल्टा और रेत के टीले, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट, ये सब किसकी वजह से बनते हैं, आपके एक्सोजेनेटिक यानी कि बहिर्जात अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। ठीक है,
आप देखो जो आपका डेविशियन है, डेविशियन डिक्टम दैट लैंड, देखो ये जो डेविशन है, डेविस की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस आपका ये वन लाइन स्टेटमेंट है, दैट लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, यानी कि आपका जो परिदृश्य है वो संरचना प्रक्रिया और समय का एक कार्य है, यानी कि एक लैंडस्केप को बनने के लिए उसके स्ट्रक्चर, एक लैंडस्केप बनने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो प्रोसेस लगे होते हैं और उसमें जो टाइम लगता है, यानी कि उस लैंडस्केप में, उस भूदृश्य में, यानी कि आपका पहाड़ है, आप पहाड़ किसका है, तो पहाड़ एक लैंडस्केप हो गया, तो पहाड़ फंक्शन आपके स्ट्रक्चर का, वहां के प्रोसेस का और आपके टाइम का, स्ट्रक्चर यानी कि वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या पैटर्न कैसा, दूसरा है प्रोसेस यानी कि कौन से प्रोसेस लग रहे हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल और टाइम कितना कंज्यूम हुआ है, तो ये स्टेटमेंट दिया आपके डेविस ने, दैट लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, कहते हैं कि जो परिदृश्य है वो संरचना प्रक्रिया और समय का एक कार्य है। उसके बाद जो केजी ग्रिगोरी है, उन्होंने अपनी एक जियोमॉर्फिक इक्वेशन दी है, एफ इज इक्वल टू एफ अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, एफ इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एम और ब्रैकेट क्लोज डी टी, जहां पे इस एफ का मतलब है लैंड फॉर्म, इस एफ का मतलब है फंक्शन, लैंड फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ, पी का मतलब है प्रोसेस, एम का मतलब है जियो मेटीरियल और डी टी का मतलब है मैथमेटिकल वे ऑफ डिनोटिंग चेंज ओवर टाइम, यानी कि ये कहते हैं कि लैंड फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस, जियो मेटीरियल एंड मैथमेटिकल वे ऑफ डिनोटिंग चेंज ओवर टाइम, ये जो आपको इक्वेशन है ये याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ ले। गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग सविता, कल क्यों क्लास नहीं हो पाई, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सविता, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। और कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन पे बेटा अभी क्लास होगी, ठीक है, वो अभी हुई नहीं है, ओशन कॉन्टिनेंट पे मैंने आपकी यूट्यूब पर जरूर क्लास कराई है, लेकिन ऐप पे क्लास अलग होगी। और रिवर वैली ग्लेशियर, ये जो है रिवर वैली, ओके ओके, मैंने ये पूछा है, आप सब पहले मेरे को ये आंसर करो, क्लास में है इरीश, नितिश, श्रद्धा, फरीन, सविता, अंकिता और छोटू, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाँ सविता, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपका फर्स्ट टॉपिक था, अब आपका सेकंड टॉपिक है रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ, या फिर आप इसको लिख सकते हो फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसमें मैंने आपको थ्री रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ सरफेस बताए हैं, यानी कि पूरे अर्थ को रिलीफ फीचर के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, और किसने डिवाइड किया है इसमें, ये डिवाइड किया गया है आपके हार्डी सेलिसबरी द्वारा 1919 में, ठीक है। अगर अब कोई डाउट है तो आप वो पीछे वाली क्लास बाद में देख लेना, अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्रिगोरी का, अब हमारे जो जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट है, यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट का मतलब है कि जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में जो ये थॉट की विचारधारा की जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो विचारधारा है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो कैसे शुरू हुई, तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड में क्या हुआ, सम आइडियाज रिगार्डिंग लैंड फॉर्म वर इनडायरेक्टली पोस्टुलेटेड इवन इन द एंशियंट पीरियड व्हेन फिलोसोफर्स एंड हिस्टोरियंस ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट, एंशियंट पीरियड में ये बताते हैं कि कुछ जो आइडिया है, ये हिंदी में देख लो, कि प्राचीन काल में भू आकृतियों से के संबंध में कुछ विचार अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादित किए गए थे, वो किसने किए थे, आपके कुछ इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, यूनान के, रोम के, मिश्र के, उन्होंने पहले से ही
कुछ विचारधाराएं चलाई हुई थी। उसके बाद आपके हेरोडोटस, हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन है, ठीक है, और उनकी बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन रही है किस पे, जो नील नदी है, नील नदी के डिपोजिशनल वर्क पे, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ लाइन नाइल, यानी के आपके मिश्र नील नदी का उपहार था। ये स्टेटमेंट किसने दी? ये आपकी दी हेरोडोटस ने, और ये हिस्टोरियन थे, इसलिए इनको जो फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। उसके बाद है, ही फर्दर रिलेटेड द शेप ऑफ डिपोजिशनल फीचर एट माउथ ऑफ रिवर टू ग्रीक लेटर नेम दिस फीचर एज डेल्टा। इन्होंने क्या किया कि जो ये जो आपका डेल्टा बनता है, डेल्टा की जो शेप है उसको ग्रीक वर्ड के एक लेटर से डिराइव किया, यानी कि ट्राइंगल वर्ड से इन्होंने लिया। जो आपका ये इतना बड़ा डेल्टा बनता है, डेल्टा की शेप को उसने किस से डिनोट किया? आपके ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ट्राइंगल जो शेप है, ट्राइंगल शेप के बेस पे इन्होंने जो डेल्टा है उसको बताया। उसके बाद ये कहते हैं, ही ऑल्सो पोस्टुलेटेड दैट देयर इज ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ डेल्टा। ये भी बात कहते हैं कि जो आपका डेल्टा है, डेल्टा की ग्रोथ हमेशा होती रहती है, सी की तरफ, समुद्र की तरफ। और उसके बाद इन्होंने बताया, थस वी कैन इन्फर द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसगर्शनल एंड रीग्रेशनल फेजेस ऑफ द सी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ हेरोडोटस। और ये कहते हैं कि जो आपका ट्रांसगर्शनल और रिग्रेशनल जो फेज है आपके सी की तरफ, उसको भी हमने हेरोडोटस के आइडिया में पाया है। तो कुल मिला के हेरोडोटस ने क्या दिया है? हेरोडोटस आपके ग्रीक हिस्टोरियन है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने जो नील नदी है, नील नदी के डिपोजिशनल काम पर इन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की है, और इनकी एक स्टेटमेंट है दैट इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ नाइल, जो आपकी मिश्र नदी है वो इजिप्ट की देन है, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने जो डेल्टा वर्ड है सबसे पहले किसने दिया? आपके हेरोडोटस ने दिया। इन्होंने जो सी का ट्रांसगर्शन, ट्रांसगर्शन का मतलब है कि जो समुद्र का पानी लैंड के पार्ट पे आ जाता है, और रिग्रेशन यानी कि जो समुद्र का पानी लैंड पार्ट से भी हट जाता है, यानी कि ट्रांसगर्शन का मतलब है समुद्र के पानी का आगे बढ़ना, रिग्रेशन का मतलब है समुद्र के पानी का पीछे हटना, ठीक है। अब है हमारा सेकंड, ये तो थे हमारे हेरोडोटस, अब है अरिस्टोटल। तो ये जो अरिस्टोटल है ये भी हमारे ग्रीक ज्योग्राफर हैं, और प्रेजेंटेड और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो आइडिया है, वॉटर स्प्रिंग और ओरिजिन ऑफ स्ट्रीम एंड बिहेवियर ऑफ सी एंड ओशियन, इनसे रिलेटेड इन्होंने बहुत आइडिया दे रखे हैं कि जो वॉटर स्प्रिंग है, यानी कि जो पानी के झरने, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, जो नदी है, नदियों का बिहेवियर कैसा है, सी और ओशन का बिहेवियर कैसा है, ये सब अरिस्टोटल ने बताया है। और ये कहते हैं, उनके अनुसार वसंत पोषित धाराएं मौसमी और अल्पकालिक होती हैं, और ये कहते हैं कि चूना पत्थर स्थायी स्तर जल निकासी को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि अधिकांश धाराएं गायब हो जाती है और भूमिगत जल निकासी का निर्माण करती हैं। और ये भी कहते हैं कि जो लाइमस्टोन है ना, देखो लाइमस्टोन बहुत जल्दी से आपका पानी में घुल जाता है, इसलिए ये एक अच्छा ड्रेनेज नहीं दे पाता है, और ये सबसे पुअर ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। और कुछ नदियां इस लाइमस्टोन में, अंडरग्राउंड वाटर में, नदियों में खो भी जाती है, जिनको क्या बोला जाता है आपका, जो सिंक होल में खो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे स्ट्रेबो। स्ट्रेबो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम द साइज एंड शेप ऑफ डेल्टा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टेरेन थ्रू विच द रिवर मेक इट कोर्स। ये कहते हैं कि डेल्टा का जो आकार है और रूप है वो किस पर निर्भर करता है? जो हमारा भूभाग है, भूभाग यानी कि जो हमारा पृथ्वी का भाग है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड है, जिससे होकर नदी अपना मार्ग बनाती है, ये स्ट्रेबो ने बोला है, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे याद करना है, ठीक है, तो वो भी पूछ लेना। अब हमारा आता है, ये हो गया, अब है हमारा डार्क एज। अब डार्क एज कहाँ पे आते हैं? ये मत सोचना कि जो अंधकार का युग है वो पूरे वर्ल्ड में आ गया था, नहीं, सिर्फ
सिर्फ आपके जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर में ही सिर्फ आपका डार्क एज आया था। डार्क एज का मतलब है कि इस एज में, रोमन एम्पायर में, यानी कि आपके यूरोप में कोई भी ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं हुई थी, कोई भी ज्योग्राफिकल थॉट का के लिए सर्च नहीं किया गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था। और जो यूरोप के पादरी थे, जो हाईएस्ट लग्जूरियस पीपल थे, उन्होंने ये बोला कि हमें इतना सारा पैसा इस पे क्यों खर्च करना है। और वो कहते थे कि जो हमने यूनिवर्स के बारे में जो बात बता दी वही सच है। तो क्या हो गया, आपके रोमन एम्पायर का पतन हो गया और आपकी जो डार्क एज है, डार्क एज में क्या हुआ, जो आपके चर्च या पोप के पादरी हैं उनका जो उनका जो राज है वो होने लगा। ठीक है, देखो, विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर आ फुल प्रिविलेजेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एज वेल एज जियोमोर्फोलॉजिकल थॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 1400 ईयर। ये कहते हैं कि रोम साम्राज्य के पतन के साथ विकास में एक ठहराव आ गया, यानी कि आपके ज्योग्राफी और जियोमोर्फोलॉजी के विकास में क्या आ गया, ठहराव आ गया। और उसके बाद कुछ सम जो ग्लिम्स ऑफ जियोमोर्फोलॉजिकल आइडियाज पुट फोर्थ बाय फ्यू थिंकर्स, ये कहते हैं कि जो कुछ विचारक हैं, कुछ आपके स्कॉलर हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत भू आकृति विज्ञान संबंधी कुछ विचार झलकते हैं। जैसे आपका एविसेना, एक अरब विचारक ने अकादमिक एक रास्ता को तोड़ा है, जो आपके अरेबिक थिंकर है ना, उन्होंने इस मोनोटोनी को खत्म कर दिया है। किस मोनोटोनी को खत्म कर दिया है, इस डार्क एज वाली मोनोटोनी को। और इन अरब थिंकर ने क्या किया, अरब थिंकर के अकॉर्डिंग जो माउंटेन है वो टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक वो माउंटेन है जो ओरिजिनेट हुए अपलिफ्टमेंट की वजह से, यानी कि उत्थान की वजह से, पृथ्वी के धरातल में उत्थान कब होता है, जब प्लेट मूवमेंट करती है, या तो क्या होता है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, भारी प्लेट नीचे धस जाती है, जिसकी वजह से आपके माउंटेन बनते हैं। दूसरा है, दूसरा भी किससे रिलेटेड, आपके पर्वतों की उत्पत्ति से ही। ठीक है, अब है आपका एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म, यानी कि ये आकस्मिवाद का युग किसे कहा जाता है। द लॉन्ग कॉन्टिन्यूड एकेडमिक साइलेंस ऑफ 1400 ईयर वॉज सडनली ब्रोकन, यानी कि ये 1400 साल का जो चुप्पी थी वो तोड़ दी गई थी कैटास्ट्रोफिस्ट ने, जिन्होंने बिलीव किया, हु बिलीव इन द क्विक एंड सडन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल एनिमेट एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, ये जो कैटास्ट्रोफिज्म या आपके आकस्मिकवाद वाले जो पीपल थे, वो ये मानते थे कि जो हमने देखा सिर्फ वे सच है, बाकी जो हमारे आंखों के आगे नहीं होता वो सच नहीं है, इन्होंने ये बोला। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं, इन्होंने देखो ये चीजें क्या आपकी फाइंड आउट की है, द एज ऑफ अर्थ वॉज कैलकुलेटेड टू बी अ फ्यू थाउजेंड ईयर। इन्होंने जो आपके आकस्मिकवाद आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो आपकी अर्थ है वो कुछ साल ज्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा उम्र नहीं है अर्थ की, अब नहीं ही है, ज्यादा पुरानी नहीं है। सेकेंड है, ओनली दोज इवेंट शुड बी गिवन कॉग्निजेंस विच अकर्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द पीपल। ये कहते हैं कि केवल उन्हीं घाटियों का संज्ञान लिया जा सकता है जो लोगों के जीवन काल में घटित हुई हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट सडन इंडोजेनेटिक फोर्स लाइक वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक आर कमिंग। ठीक है, यह भी बताया जा सकता है कि अचानक अंतर्जात बल जैसे ज्वालामुखी और पृथ्वी पर भूकंप आ जाते हैं, इसको बोला जाता है एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसमें आप याद रखना कि ये सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज कैटास्ट्रोफिज्म। प्रलय का युग क्या है कि 1400 वर्षों तक चली, इतनी लंबे समय से चली आ रही जो शैक्षणिक चुप्पी थी उसको अचानक तोड़ दिया किसने, आपके विनाशकारी लोगों के उद्भव ने,
उसके उद्भव से टूट गया और जापा तर्वित और अचानक उत्पत्ति में विश्वास करते थे। वे बहुत ही कम समय में सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का विकास और इस प्रकार नया भू आकृति विज्ञान के खजाने में अजीबोगरीब और शानदार अवधारणाओं के पन्ने जोड़े गए। ठीक है, लेकिन आपके जो कैटास्ट्रोफिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी की जो आयु है वो कुछ हजार वर्ष आकी गई थी, और इन्होंने बोला केवल सिर्फ उन्हीं घटनाओं का संज्ञान, सिर्फ उन्हीं इवेंट्स का या उन्हीं घटनाओं का जो है संज्ञान लिया जा सकता है जो लोगों के जीवन काल में घटित हुई हो। अगर मेरी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो मैं उस सिचुएशन को नहीं समझ पाऊंगी जब तक वो मेरे साथ नहीं हो जाता। और यह बताया जा सकता है कि अचानक अंतर्जात बल जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी भूकंप आदि ये सब हो जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, कैसे याद करना है। देखो, श्रद्धा याद करना है सबसे पहले। बिल्कुल सविता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में करवाया वो ये बताया कि थ्री ऑर्डर रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ, अर्थ को तीन ऑर्डर रिलीफ फीचर में डिवाइड किया गया है। और इससे क्वेश्चन आया था, आपको दिया गया था कि सर्क कौन सा रिलीफ ऑर्डर फीचर है। अब ये आप कैसे पता लगा सकते हो जब आपने उन रिलीफ ऑर्डर फीचर्स को पढ़ा हो कि आपका जो सर्क है वो कौन सा रिलीफ ऑर्डर फीचर है। तो मैंने तीन रिलीफ ऑर्डर फीचर पूछे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर और थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है वो स्मॉल स्केल पे, यानी कि बहुत बड़ा एरिया पृथ्वी पर, जो सबसे बड़ी बड़ी दो चीजें हैं वो है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर पर, यानी कि आपका वॉटर और आपका लैंड पार्ट, ये है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में, यानी कि आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशन। उसके बाद इन कॉन्टिनेंट एंड ओशन पर हमारे बनते हैं सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, और आप से कह सकते हो बिकॉज ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से हमारी अर्थ पर नई चीजें बनती रहती है। और तीसरा है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करता है, इन इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा बनाए गए माउंटेन्स को निम्न कर देता है, उसका अनाच्छादन करता है। तो एग्जाम में आपके आएंगे कि इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से, आपको वो पता होना चाहिए कि इनमें से ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और साथ ही साथ ये करना है कि आपको अपनी जो मैप वर्क है वो करना है जिसे आपको और ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, हो गया श्रद्धा, कैसे याद करना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है एक बार मेरे को बता दो कि कुछ समझ में नहीं आया हो, तो फिर उसके बाद हम अपना जो सेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। इनके नोट्स बनाने, या फिर बिल्कुल वन वन वर्ड, बिल्कुल वन वर्ड कि लुईस अगासीज ने आइस एज दिया, ठीक है डन। एल्बर्ट ब्रूक और पैंक ने दे दिया गुंज मिंडल रिस्वम, ये यूरोप की है। वन वर्ड, सिर्फ वन वर्ड यूज करने हैं। अब है आपका एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, यानी कि आपका एक रूपतावाद का सिद्धांत। अब एक बात याद रखना यहाँ पे कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कैटास्ट्रोफिज्म, आकस्मिकवाद के खिलाफ के विरुद्ध कौन सी एज आई है, तो वो आई है आपकी एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, यानी कि एक रूपतावाद का युग। अब ये जो कैटास्ट्रोफिज्म है, कैटास्ट्रोफिज्म वॉज फाइनली रिजेक्टेड एंड ग्रेजुअल, ये कहते हैं कि जो आपका कैटास्ट्रोफिज्म है, एकस्मिकवाद है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। एंड ग्रेजुअल साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, और अर्थ अर्थ पर जो ये साइक्लिक नेचर है हर चीज का, जैसे आपकी कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ऐसे आपकी रिवर का एक साइकिल होता है, आपके माउंटेन का एक साइकिल होता है, तो हर चीज अपने साइकिल को कंप्लीट करती रहती है। ये पोस्टुलेट किया आपके जेम्स सटन ने 1726 में, दैट, और ये किसने पोस्टुलेट किया आपका एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, ये कंसेप्ट है आपका जेम्स सटन का, पोस्टुलेट किया 1726 से 1797 के बीच में इन्होंने, यानी कि लास्ट 18th सेंचुरी के फर्स्ट ईयर में जो इन्होंने ये यूनिफॉर्मिटेरिज्म के नाम पर इन्होंने
आपका क्या दिया है? एक रूपतावाद का सिद्धांत, वो भी किसके खिलाफ? आपके कैटास्ट्रोफिज्म के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद ये बता दिया मैंने कि एज ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म किसने दिया, और एज ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म कंसेप्ट किसका? आपके जेम्स हटन का। और इन्होंने ये बोला है कि व्हेन द प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एवरलास्टिंग लैंडफॉर्म वाज रिजेक्टेड एंड देयर चेंजिंग नेचर थ्रू वेथिंग एंड इरोजन वाज वेरी मच रियलाइज्ड। कहते हैं कि जो आपकी स्थायी भूआकृतियां हैं उनकी पूर्व मौजूद अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया है, और उनका मौसम और कटाव के माध्यम से प्रकृति में बदलाव को बहुत दूर तक हद तक जो इन्होंने महसूस किया है। तो याद रखना है, एक रूपतावादी कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म, ये आपसे पूछा जाता है कि आपके यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है? तो यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म का कंसेप्ट दिया है आपके जेम्स हटन ने। अब उसके बाद है आपके लियोनार्डो विंसी, इनके ही शिष्य हैं। उन्होंने ओपिनियन किया दैट द रिवर फॉर्म देयर वैली देमसेल्फ। लियोनार्डो विंसी कहते हैं कि जो नदियां हैं, नदियां अपनी घाटी खुद बनाती है वर्टिकल इरोजन, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, यानी कि पानी सीधा ऊपर से नीचे गिरता, उसकी वजह से क्या बनती है? घाटी बनती है एंड डिपोजिटेड द इरोडेड मटेरियल एल्सवेयर। और जो आपका डिपोजिटेड जमा हुआ गंध है, गाद है, आपके सेडिमेंट है, उसको अलग से इकट्ठा क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सविता, अभी जो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर मंथ है, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपका सिलेबस नवंबर से पहले अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से सॉरी, आपकी 2 क्लासेस रहा करेंगी। और हम टारगेट करते हैं कि हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। आज हमारा ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल हम अपना जो थर्ड टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, अब मैंने आपको बता दिया कि ये कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म यानी कि एक रूपतावाद का कंसेप्ट किसने दिया? आपके इन्होंने दिया है, आपके जेम्स हटन ने। और जो ये लियोनार्डो विंसी थे, इन्होंने भी बताया कि जो नदियां अपने आप फॉर्म करती है, आप इनको अपनी इसको घाटियों को वर्टिकल इरोजन के थ्रू। ठीक है, कि मानना था लियोनार्डो विंसी का कि जो नदियां हैं अपनी घाटियां खुद बनाती है। अब है आपके बफन। बफन क्या करते हैं? बफन ने भी जो कैटास्ट्रोफीज है, यानी कि जो आपका आकस्मिकवाद का कंसेप्ट है, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला ही फर्दर ओपिनियन दैट द रिवर वर द मोस्ट, और इन्होंने भी ये बोला कि जो नदियां सबसे ज्यादा पावरफुल एजेंट है किसका? इरोजन और डिपोजिशन का। एंड दे वर कैपेबल ऑफ इरोडिंग द अपलिफ्टेड हाईलैंड मास टू सी लेवल। और बफन कहते हैं सिर्फ नदियां हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इरोडेड, जो इरोजन हुआ मटेरियल है, उसको हाई एरिया से सी लेवल तक पहुंचा दे। तो ये बात है आपकी बफन ने। उसके बाद जो ये यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म का कंसेप्ट है वो आपके जेम्स हटन ने दिया है, जेम्स हटन एज इट्स पोस्टुलेटर। और इनका ये जो कंसेप्ट है, हिज कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म इज बेस्ड ऑन द बेसिक टेनेंट दैट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि दैट द सेम जियोलॉजिकल प्रोसेस विच ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड इन द पास्ट, एंड देयर फॉर द हिस्ट्री ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट रिपीट इन साइक्लिक नेचर। ये कहते हैं कि समान भूवैज्ञानिक प्रक्रिया ये जो आज संचालित होती है वही अतीत में संचालित होती है, और इसलिए भूवैज्ञानिक इतिहास का हिस्सा है घटनाएं चक्रीय। देखो ये कहते हैं कि जैसे आज ज्वालामुखी फटता था, ऐसे ही पहले ज्वालामुखी फटता है, फटता
फटता है, जैसे आज अर्थक्वेक आता है वैसे ही पहले अर्थक्वेक आता है। तो देखो चीजें सेम है, बट कुछ चीजें हमारे पास के, कुछ चीजें अभी है कि जो प्रोसेस पहले टिकते थे अर्थ पे, आज भी वही प्रोसेस है, वही काम करते हैं, और उसी की वजह से अर्थ पे ये साइक्लिक नेचर पॉसिबल है। और ये जो फेमस क्योट है, आपको आपकी किसकी है, ये आपकी जेम्स हटन की, प्रेजेंट इज की टू द पास, यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी है या वर्तमान अतीत की कुंजी है, ये आपकी स्टेटमेंट किसकी है, ये कंसेप्ट है आपका जेम्स हटन का। उसके बाद जो जेम्स हटन है, फर्स्ट जियोलॉजिस्ट है, सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट है जो अर्थ पे जो साइक्लिक नेचर चल रहा है, यानी कि जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ये जो साइक्लिक नेचर होता है अर्थ हिस्ट्री पे, ये किसने पहचाना, आपके आपके जेम्स हटन ने। और देखो अब इनकी बुक याद रखना, ये इनका जो रिसर्च पेपर है थ्योरी ऑफ द बुक, ये थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जेम्स हटन की बुक दे दीजिएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो थ्योरी ऑफ द अर्थ ये किसकी बुक है, आपकी जेम्स हटन की, ये पूरा नाम है थ्योरी ऑफ द अर्थ ऑन और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेबल इन द कंपोजिशन डिसोल्यूशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ लैंड अपॉन द ग्लोब। बट ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं पूछा जाता, बस याद रखना थ्योरी ऑफ द अर्थ बुक किसकी है, थ्योरी ऑफ द अर्थ बुक है आपकी जेम्स हटन की। उसके बाद लेटर ऑन हिज मेजर वर्क वॉज पब्लिश इन फॉर्म ऑफ, उसके बाद इनकी जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये थ्योरी किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन इन टू वॉल्यूम गिवन बाय जेम्स हटन इन 1795। ये दूसरा इनका कंसेप्ट है दैट टोपोग्राफी इज कार्व्ड आउट एंड नॉट बिल्ट अप इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये कहते हैं कि जो स्थलाकृति है वो तराशी जाती है निर्मित नहीं, यानी ये कहते हैं कि जो आपकी टोपोग्राफी है उसको क्या किया जाता है, उसको कार्ड आउट किया जाता है, उसको बनाया नहीं जाता है, प्रकृति बन नहीं सकती है। ये पुस्तक थी आपकी, ठीक है, आपके एक प्रोफेसर थी उन्होंने ये जो बुक है इलस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। उसके बाद है आपके जॉन प्लेफेयर हो गया, अब है आपके चार्ल्स लेयल, अब ये चार्ल्स लेयल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फॉलोअर, यानी कि बहुत एक्टिव फॉलोअर है जेम्स हटन का। मोस्ट ऑफ हिज वर्क अपीयर्ड इन टू बुक, मोस्टली जो बुक है वो इनकी सिर्फ दो ही है, चार्ल्स लेयल की प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी और दूसरा द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटिक्विटी ऑफ मैन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी और दूसरा है द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटिक्विटी ऑफ मैन इन 1863। ठीक है, तो ये जॉन प्लेफियर है, ये हमारे चार्ल्स लेल हैं। जॉन प्लेफियर क्या है, गणित के प्रोफेसर थे और हटने के करीबी दोस्त बनाने के बाद हटियन अवधारणा में कुछ उपयुक्त संशोधन और कुछ मूल्यवान योगदान जोड़ना, एक रूपतावाद पर हटन के विचारों को उनकी पुस्तक। अब इसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये याद है, ये जो बुक है ठीक है हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ, और दूसरा ये इलस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ इन 1802, ये बुक आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपके चार्ल्स लेल, चार्ल्स लेल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फॉलोअर है हमारे जेम्स हटन का, यानी कि बहुत अच्छा शिष्य है जेम्स हटन का, कौन ये जो लड़का गया भी, मोस्ट ऑफ हिज वर्क अपीयर्ड, और मोस्टली जो आपके जेम्स के जो आपकी बुक है दो वॉल्यूम है वो दिए इन्होंने, एक बार मेरे को चेक करके बताओ कैसी है। और दूसरी बुक का नाम है द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटीक्विटी ऑफ मैन, तो ये जो जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटीक्विटी ऑफ मैन ये कब आई, 1863 में, 1863 में ये बुक आई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ही सिग्निफिकेंट, उसके बाद जो आपके हटन है इन्होंने बायोलॉजी में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बेस है वो इनकी जो वैगनर की थ्योरी है उनको लिया गया है, तो एक तरीके से जो आपके डेविस है, डेविस आपके इन सभी का क्या रहा है, सीनियर रहा है और जिसकी बात को सब मानते हैं। और इनकी जो बुक है उनका नाम है द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटीक्विटी ऑफ मैन, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ये बुक किसकी है, द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंटीक्विटी ऑफ मैन, तो ये है आपकी द एंटीक्विटी ऑफ मैन।
या की रेटजल की है, ठीक है। उसके बाद जो आपके सीजी ग्रीनवुड है वो प्रकाश में है, वो लाइट में है, उन्होंने अपना पेपर दिया, किसकी वजह से लाइट में थी, इस पेपर की वजह से, रेन एंड रिवर और हटन एंड प्ले फेयर अगेंस्ट लेल एंड ऑल कम इन 1857, ठीक है। तो ये बोला गया है न्यूज में। उसके बाद इन्होंने सीएएम किंग ने 1966 में एक आइडिया दिया, दैट द बेस लेवल कंसेप्ट। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में ये बेस लेवल कंसेप्ट किसने दिया, तो बेस लेवल कंसेप्ट दिया है आपके पावेल ने, बट मेरे को नहीं चाहिए, अगर चाहिए होती तो मैं खुद मंगा लेती, बट ये बेस लेवल का कंसेप्ट किसने का है, पावेल का है। ओके, अब आपका ये जो है लुईस अगासिज, लुईस अगासिज ने क्या किया है, लुईस अगासिज में जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए, इसने जो आपकी ये ग्लेशिएशन पीरियड है, जो आइस एज पीरियड है, इस पे जो है ये ध्यान रखना है, आइस एज ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन पीरियड, ठीक है। आइस एज में क्या हुआ था, ये जो लुईस अगासिज है, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए लुईस अगासी आइस एज से कौन रिलेटेड है, और उसमें आपके ये नहीं होते तो आप उसमें चूज कर दोगे लुईस अगासिस, लेकिन जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्लाइमेट चेंज हो और उससे रिलेटेड हो नाम हो, तो उनमें लगाना है आपके ब्रुकनर ने और पेंक ने, ठीक है। ये देखो, ए पेंक एंड ब्रुकनर आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लीस्टोसिन ग्लेशियर ओवर आल्प्स, इन्होंने चार तरीके के जो है प्लीस्टोसिन आइस एज बताए हैं, गुंज मिंडल रिसुवम विच वर सेपरेटेड बाय थ्री में, जो कि तीन इंटरग्लेशियल पीरियड के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो पेंक और ब्रुकनर ने चार जो आपकी सीरियल ऑर्डर में ये आइस एज है वो याद रख लेना, ये साउथ टू नॉर्थ है, सबसे पहले वर्म रिस मिंडल गुंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आज का सिलेबस है, ये कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई और डाउट है तो वो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे। और एक बार मैं, अगर आप बोलो कि मैम, हाँ बेटा, ये सारे ज्योग्राफर्स आपके सीरियल में हैं, आपको एज इट इज याद करने हैं, ये आपके जो ज्योग्राफर्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, तो वन वर्ड के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। और अगर आप एक बार बोलते हो कि मैम दोबारा ओवरव्यू दे दो, तो मैं दोबारा ओवरव्यू दे दूंगी, बट एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप सब लोगों को ये जो आपका चैप्टर है वो समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। जल्दी बताओ कि जो आपके ये ज्योग्राफर्स हैं वो आपको सबको क्लियर है, कंप्लीट अच्छे से याद है, अगर याद है हो जा रहा है कि हो जाएगा, तो मैं आपको, नहीं सविता इसमें या ये याद नहीं करना, बस इसमें ये कहना आपका जियोमोर्फोलॉजी की थोट है, वो जो थोट जब मैं करवाऊंगी ना, वो सारा आपको बताऊंगी कि कौन सा ज्योग्राफर कहाँ का है, ये सिर्फ आपका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसमें ये बता रखा कि जियोमोर्फोलॉजी में किसका कैसे योगदान रहा है। जैसे आपके डेविस ने साइकिल दी है, आपकी रिवर साइकिल दी है, फरीन बोला है कि मैम समझ में आ गया है, वेरी गुड फरीन। उस देखो, ये सिर्फ आपका क्या बताया, जो ज्योग्राफर आपके जियोमोर्फोलॉजी से रिलेटेड है उनका वर्क बताया, उनके थॉट बताए हैं कि जियोमोर्फोलॉजी की शुरुआत कैसे होती है। तो जियोमोर्फोलॉजी की शुरुआत होती है आरडी सेलिसबरी से, आरडी सेलिसबरी ने आपका जो अर्थ है, अर्थ पे जो ये लैंडस्केप है, इसको तीन बेस पे डिवाइड किया था, तीन ऑर्डर में डिवाइड किया, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर और थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में आते हैं आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर वे होते हैं जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर पर बनते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में है आपके माउंटेन, लेक, फोल्ट, फोल्टिंग, ये सब। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में आते हैं आपके इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। श्रद्धा भी बोल रही है मैम समझ में आ गया है, थैंक यू श्रद्धा, अगर आप सबको समझ में आता है तो उसी टाइम पे जो क्लास है वो अच्छे से हो जाती है मेरी, मेरे को होप मिल जाती है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब कोई भी टॉपिक है ना आपको, कि किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे शेयर करो, और फिर हम नेक्स्ट यूट्यूब पे जो क्लास होगी ना, मैं यूट्यूब पे सिर्फ वही क्लास करवाऊंगी। वेलकम सविता, तो मुझे एक बार ये क्वेश्चन बताओ कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर क्लासेस आप कौन सी करवाऊं,
आपको पीवाईक्यू करने हैं यूट्यूब पर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को, अगर आप बोलते हो कि मैम पीवाईक्यू करा दो, तो मंडे ट्यूसडे को हम पीवाईक्यू करेंगे, और वे पीवाईक्यू इस सेम में जो क्वेश्चन हुए हैं वे सोल्व करेंगे हम। अगर आप कहते हो कि मैम पीवाईक्यू करा दो, तो मैम पीवाईक्यू करा दूंगी आपको। बट मेरे को बताओ कि आपको कौन सा करना है, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, एक बार सब बताओ जल्दी से कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। सविता बोल रही है पीवाईक्यू, ओके। श्रद्धा, फरीन, अंकिता, अनुश्री घोष और छोटू, आप लोग भी बताओ। पी ठीक है, तो देखो मंडे को हम पीवाईक्यू करेंगे, हर मंडे ट्यूसडे को अब हम पीवाईक्यू किया करेंगे, ओके। ताकि आपकी जो क्लास तो लगातार चलती रहेंगी, बट यूट्यूब पर आपकी जो पीवाईक्यू क्लास है वो होती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे बच्चे जो हैं इसको ज्वाइन करो। आप जितने भी बच्चे आप इस बैच में हो, 26 स्टूडेंट्स आर देयर इन बैच, आप क्या क्या करो, आप क्लास ज्वाइन किया करो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, जैसे आप वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को ऐप पर क्लास ज्वाइन करते हो 6 बजे, ऐसे ही होती है आपकी मंडे ट्यूसडे को यूट्यूब पर क्लासेस 6 बजे, बस वो आपके लिए फ्री होती है। बाकी जो आपकी 5 क्लासेस होती है वो फ्री नहीं होती है, तो ज्वाइन क्या करो। और अगर अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मुझे क्वेश्चन बता के जाओ। मैंने आपको एक हायरार्की बताई थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, उसको लिख के बताओ। ज्वाइन करना है सबने, और वो जो हायरार्की मैंने बताई थी आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को करवाते वक्त, वो मुझे बताओ कि मैंने क्या हायरार्की बताई थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। जल्दी जल्दी बताओ, ये आपके जो प्रीवियस जो टॉपिक करवाए ना, इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। अब मेरे को बताओ कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने करवाया था, और उससे मैंने आपसे मैंने ये पूछा है कि मैंने एक सीरियल ऑर्डर बताया था इसके टाइम पीरियड का। स्टार्टिंग से बताओ सविता, स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ये तो आप लिख तो ठीक रहे हो, लेकिन सीरियल ऑर्डर यहां से शुरू नहीं है, जहां से शुरू है वहां से लिखो और एक साथ लिख दो। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है सुपर इयोन, उसके बाद इयोन, इयोन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद एपक, और एपक के बाद है आपकी एज, ये है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, जो आपका पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा के आपके कितने पीरियड हैं, जल्दी बताओ, पैलियोजोइक एरा के पीरियड, पैलियोजोइक एरा के कितने पीरियड हैं, और उनके नेम भी लिखो। पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स नेम 6 है, वेरी गुड श्रद्धा, नेम वेरी गुड फरीन, एरा, एपक, पीरियड, लेकिन आप इसको सीक्वेंस में याद करो, जैसे मैंने आपको लिख के दिया ना, ये सुपर इयोन, इयोन, एरा, पीरियड, एपक, एज, ऐसे हैं। अंकिता ने भी ठीक बताया 6 हैं। अब इन 6 के नेम लिखो जल्दी से कि आपके पैलियोजोइक पीरियड के जो 6 पीरियड हैं उनके क्या नेम हैं, क्योंकि ये आपको मैच करने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो, वेरी गुड। सविता ने बताए हैं 4 बताए हैं, 2 के और नाम रह गए हैं, वो भी सबको लिखना है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, 2 और हैं आपके। अच्छा
श्रद्धा ने लिखे हैं परमियन कार्बनिफेरस, डिवोनियन सिल्यूरियन और ऑर्डोवीसियन कैम्ब्रियन। वेरी गुड श्रद्धा, आपके बिल्कुल ठीक हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवीसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनिफेरस, परमियन, ये 6 पीरियड हैं आपके पैलियोजोइक एरा के। सभी अच्छे से लिखो, अपने खुद से लिख के देखोगे तब आपको याद होगा। ऐसे सोच लोगे कि उसने लिख दिया, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो उससे उनका तो हो जाएगा बट आपका नहीं होगा। अच्छा, तो अब मुझे मेसोजोइक जो आपके एरा है, मेसोजोइक एरा के भी पीरियड लिख के बताओ, और अपने जो सीनोजोइक एरा है उसके भी पीरियड। वेरी गुड अंकिता। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवीसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनिफेरस, परमियन। अंकिता ने भी ठीक लिखा है और सविता के जो दो रह गए थे वो भी ठीक है, परमियन और आपका कार्बनिफेरस। थ्री है। वेरी गुड सविता, वेरी गुड अंकिता। अब इन थ्री के नेम और बताओ आपके मेसोजोई के कौन कौन से हैं। तीन है, बहुत इजी नेम है। जल्दी जल्दी से बताओ। क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रेसिक। वेरी गुड श्रद्धा। सरिता में ट्रिएसिक, जुरेसिक, आपका एक और रह गया सरिता, कौन सा नहीं बताया जल्दी से वो भी बताओ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ जो आपका गुंज मिंडल रिसवर्म आइस एज है, इसको किसने दिया है। गुंज मिंडल रिस वम, ये जो आइस एज के बारे में, ये जो नॉर्थ अमेरिका की आइस एज है, ये किसने दिया है। गुंज मिंडल रिस वम, गुंज मिंडल रिस विच जोग्राफर गिवन दिस ग्लेशियल पीरियड ऑफ यूरोप। अंकिता ने, आपने ठीक बोला है बिल्कुल अंकिता, मेसोजोइक एरा के ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। सविता ने बोला है गुंज मिंडल रिस वर्म दिया है डेविस ने। सविता, ये गलत आंसर है, डेविस ने नहीं दिया है आपका। ये जो आइस एज है, यूरोप की आइस एज के बारे में इन्होंने नहीं बताया, और मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया कि गुंज मिंडल रिस वर्म के बारे में बताया आपके एल्बर्ट टैंक और आपके एडवर्ड ब्रुकनर, इन्होंने दिया है आपका ये। ठीक है, ये जो आपका गुंज मिंडल रिस वर्म आइस एज है, ग्लेशियल पीरियड है आपके यूरोप के, ये दिया है आपके एल्बर्ट पैंक ने और एडवर्ड ब्रुकनर ने, दोनों ने मिलके इनको खोजा है। और कल, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास आपकी होगी 6 बजे, और कल हम अपना जो थर्ड टॉपिक है वो शुरू करेंगे। थर्ड टॉपिक कौन सा है एक बार मेरे को बताओ, टॉपिक का नेम देख के बताओ सिलेबस से, कौन सा टॉपिक है अपना। पीपीटी में देख लेते हैं एक बार। पीपीटी में मैंने टॉपिक लगाए ही नहीं, तो कल हम अपना थर्ड टॉपिक करेंगे। तो कल सबको क्लास, जैसे आप आज जो बच्चे थे, मैक्सिमम 8-9 बच्चे ज्वाइन करते हैं, सबको क्लास ज्वाइन करनी है। और छोटू, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी, और अनुश्री, अनुश्री होश, आप भी रिप्लाई दिया करो, ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको भी याद हो जाए। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा, उतना ही आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। और अब आपके मंडे ट्यूसडे को पीवाईक्यू जो मैं सोल्व करवाऊंगी, उसमें सबको रिप्लाई देना है, सबको कमेंट करना है लाइव चैट में। चाहे, और याद रखना, आप अगर आपने फिलर सॉन्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, तो सब्सक्राइब कर लेना।
और दूसरी बात, सबको हर क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, हर क्वेश्चन का कमेंट लाइव चैट में देना है, और मैं आपको वहां पे सही कर दूंगी। अगर आपको कुछ गलत भी आता होगा, कुछ गलत बात भी पता होगी, तो भी वहां पे ठीक से डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, PYQ सोल्व करने से पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होता है। और अब हम मिलते हैं कल, तो और मैं आपका ये जो PDF है वो अभी अपलोड कर देती हूँ आज वाले टॉपिक का। और अपने नोट्स बना लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। पेपर को क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 मेथड हैं, क्लास अटेंड करो, सेकंड नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और थर्ड है अपने PYQ लगाओ। जब तक ये नहीं करोगे पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। चाहे कितना भी रोट लर्निंग कर लेना, नोट्स की रोट लर्निंग से कुछ नहीं होता है। जब तक आप PYQ सोल्व नहीं करोगे, एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझोगे, तो आपका जो पेपर है, पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए PYQ सोल्व करने हैं। कोई बात नहीं फरीन, आप देखो एक काम क्या करो, आपकी क्लास 6 से 7 बजे होती है, उस टाइम पे या तो बेबी को ऐसे याद डाल दो कि उस टाइम पे वो सो जाए और आप आराम से पढ़ लो, अपनी क्लास ले लो। क्योंकि क्लास अटेंड हो जाती है ना, तो फिर आपके आप पर बर्डन नहीं रहता कि मेरे को कल की भी क्लास रहेगी, परसों की भी क्लास रहेगी, या फिर फैमिली में कोई और है ताकि वो बेबी को संभाले और आप पढ़ लो, तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, बट कोई बात नहीं, थोड़ी और ट्राई करो। क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है, GRF लेके आना है, और GRF कर पाना है, इतना मुश्किल नहीं है। YouTube पर क्लास कैसे ज्वाइन करें? अंकिता, YouTube पर आपकी फ्री क्लास रहती है, जब मैं लाइव आऊंगी तो आप उस क्लास पे क्लिक कर दिया करो। आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब हो या नहीं हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो कल मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर करूंगी, उसके थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं ना, मेरा जो बैनर है ना, जो आपका मंडे ट्यूसडे का जो बैनर होता है ना, वो एक दिन पहले ही डल जाता है कि मैम PYQ सोल्व करवाएंगी, तो आपको वो एक दिन पहले ही फिलर फॉर्म के यूट्यूब पर दिख जाएगा। और आप उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो दिख जाए। और अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।